नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में सभी भाई बहनों का स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा नौवीं। नौवीं का विषय है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का भाग है राजनीति। इस कारण से पहले हमने इस राजनीति के दो अध्याय के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस राजनीति का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति किसे कहते हैं? राजनीति राज की नीति अर्थात शासन की नीति, जो शासन चलाने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है, शासन चलाने की जो नीति बनाई जाती है, उस नीति को ही राजनीति कहते हैं। और चुनावी शब्द बना है चुनाव से, अर्थात शासन चलाने वाले जो लोग होते हैं उनका जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है, जनता के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। और जो जनता के द्वारा चुनाव होता है उसी चुनाव को यहाँ पढ़ने जा रहे हैं चुनावी राजनीति, किस तरह से जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो आज का हमारा तीसरा अध्याय है जिसका नाम है चुनावी राजनीति। सबसे पहले हम चुनावी राजनीति के परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। ये चुनावी राजनीति में किस तरह से प्रतिनिधि चुनाव होता है? ये चुनाव वहां होता है जहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है। हमारे भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो प्रत्येक स्तर पर एक क्षेत्र में एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। निश्चित दायरे में एक क्षेत्र में एक सदस्य का चुनाव किया जाता है और वो सदस्य अलग अलग स्थानों से चुनकर आते हैं। जैसे राजस्थान से विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, अलग अलग स्तर की जो सरकारें बनती हैं उनके अलग अलग सदस्यों का चुनाव होता है। इस तरह से संपूर्ण भारत में केंद्र सरकार का चुनाव करने के लिए या संपूर्ण भारत में अलग अलग राज्य में राज्य सरकार का चुनाव करने के लिए वहाँ जनता के द्वारा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगला जो हमारा बिंदु है, चुनाव क्यों करवाए जाते हैं? ये चुनाव क्यों करवाए जाते हैं? क्या सभी जनता के लोग, सभी जनता या सामूहिक रूप से लोग इकट्ठे होकर कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं क्या? सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर क्या शासन नहीं करते हैं क्या? ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग अपना मत रखते हैं। अलग अलग मत रहने की वजह से एक दूसरे की भावना को ठेस भी पहुंच सकती है, एक दूसरे की भावना का सम्मान भी करना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में शासन चलाना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जनता के द्वारा प्रतिनिधि ही चुने जाते हैं और वो प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। तो सरकार बनाने के लिए चुनाव क्यों होते हैं? कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो। मान लीजिए अगर एक बार चुनाव करवा दी जाए और सरकार बना दी जाए, फिर चुनाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुने गए प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने गए और वो सरकार बना जाए लंबे समय के लिए, या फिर चुनाव हो नहीं, ऐसी स्थिति में वो जो प्रतिनिधि होंगे वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेंगे, जनता का उसके ऊपर अंकुश नहीं रहेगा, वो निरंकुश हो जाएंगे। अगर निश्चित समय अवधि के बाद में, जैसे भारत में 5 वर्ष की अवधि से चुनाव होते हैं, तो 5 वर्ष की अवधि के बाद में अगर चुनाव होते हैं तो प्रतिनिधियों को भय रहता है कि हमने जनता के अनुरूप काम नहीं किया, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में दोबारा जो चुनाव होगा उस चुनाव में जनता दूसरे प्रतिनिधि को अवसर दे सकती है, हमें सत्ता से हटा भी सकती है। इसलिए वो जो प्रतिनिधि जीते हुए होते हैं, जो दल सरकार के रूप में होता है, वो हमेशा जनता के हितों को ध्यान में रखता है, जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है। और दूसरा जो मुख्य कारण है, जनता अगर चुनाव में बार बार बदलने की अगर ताकत रखती है तो ऐसी स्थिति में उत्तरदायी तो रहेंगे। दूसरी वो जो प्रतिनिधि है, वो जो दल है, वो जो सरकार है, वो निरंकुश नहीं होगी। तो बार बार चुनाव क्यों करवाए जाते हैं? हर निश्चित समय अवधि बाद में चुनाव क्यों करवाए जाते हैं? चुनाव जरूरी क्यों होते हैं? ताकि सरकार या जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी रहे और वो निरंकुश होने से बचें, इसलिए चुनाव करवाए जाते हैं। उसके बाद में चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। जब चुनाव होते हैं तो मतदाता जो होते हैं अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपने निर्णय से, अपनी समझ से मतदान करते हैं। वो मतदान करते समय ये तय करते हैं, ये विचार करते हैं कि इतने सारे प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं, इन प्रतिनिधियों में कौन सा प्रतिनिधि योग्य है, कौन सा पढ़ा लिखा है, कौन सा समझदार है, कौन सा बुजुर्ग है और कौन सा अनुभवी है, और ऐसा कौन सा जो व्यक्ति है या कौन सा उम्मीदवार है जो हमारे हित में या मेरे हित में कोई कानून बना सकता है। इस तरह से कई बातों को ध्यान में रखकर जनता मतदान करती है और अपने अनुसार ही प्रतिनिधि का चुनाव करती है। तो इस तरह से हम पढ़ने जा रहे हैं चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं, कई विचार करके चुनाव करते हैं, जिसमें पहला है वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और वहां
देवीलाल चौधरी ने अपने एक अलग पार्टी बनाई लोकदल, और देवीलाल ने ये घोषणा कर दी कि अगर मेरी पार्टी अगर सरकार में आती है तो किसानों का कर्ज और छोटे व्यापारी का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इस तरह से लोगों को यह आकर्षण पैदा हुआ और उस समय भारी बहुमत से देवीलाल की पार्टी जीती और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। और हरियाणा के मुख्यमंत्री करने के बाद पहला काम ये किया कि किसानों का कर्ज माफ किया, छोटे व्यापारी का कर्ज माफ किया। इस तरह जब चुनाव होते हैं इस तरह से कई ऐसे विचारधाराएं आती है, कई ऐसे वादे किए जाते हैं राजनेताओं के द्वारा, तो उसमें मतदाता ये देखता है कि वो अपने लिए कानून बनाने वाला चुनाव कर सकते हैं। यानी कोई भी प्रतिनिधि होगा या कोई भी दल होगा या कोई भी सरकार होगी, ऐसा कौन सा कानून बनाएगा जो मेरे हित में होगा, जनता को लगेगा, मतदाता को लगेगा कि ये प्रतिनिधि जीतने के बाद जो कानून बनेगा वो मेरे हित में होगा, उसको मतदान करेंगे। इस तरह से देवीलाल ने ये भरोसा दिलाया, ये वादा किया कि आने वाले समय में अगर मेरी सरकार सत्ता में आती है तो संपूर्ण कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। तो लोगों को विश्वास हुआ और भारी मत से देवीलाल को समर्थन किया, जो हरियाणा की घटना है। और इस तरह से मतदान में विचार करते हैं वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। अगर कई प्रतिनिधि चुनाव भाग लेते हैं उसमें छोटे दल वाले भी हैं, निर्दलीय भी हैं, कुछ बड़े दल वाले भी, तो कुछ मतदाता ये विचार करते हैं कि ये जो छोटे दल वाले हैं, ये जो निर्दलीय हैं, इनको तो बहुमत मिलेगा नहीं तो ये सरकार बना नहीं पाएंगे, ये बड़े दल वाले हैं इनको बहुमत मिलेगा, तो ऐसी स्थिति हम इन्हीं को मतदान करते हैं ताकि इसको स्पष्ट बहुमत मिल जाए और ये सरकार चलाए। इस तरह का विचार करके भी उनको मतदान लोग अधिक करते हैं। तीसरा है वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देशन करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। कौन सी पार्टी जो कानून बनाने के लिए पहले से वादा कर रही है, जो दिशा निर्देश दे रही है, वो कौन सा हमारे हित में है, कौन सा मेरे परिवार के हित में है, कौन सा कानून मेरे देश में हित में है, इस तरह से वो अपने हित को ध्यान में रखकर भी मतदाता ऐसा नियम बना सकता है, ऐसा मतदाता अपना निर्णय ले सकता है। इस तरह से चुनावी राजनीति में किस आधार पर चुनाव होते हैं, जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, निश्चित समय अवधि के लिए चुने जाते हैं और निश्चित समय अवधि के बाद पुनः चुनाव होते हैं। चुनाव इसलिए होते हैं क्योंकि शांति और व्यवस्था बने रखे बने शांति और व्यवस्था बनी रहे, और जो सरकार होती है, जो दल होता है, जो प्रतिनिधि होता है, उसमें भी अहंकार न आ जाए, उसमें निरंकुश न हो, और इसी तरह से वो प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी भी रहे। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं, कई विचार करते हैं कि कौन सा प्रतिनिधि मेरे हित में कानून बनाएगा, कौन सा प्रतिनिधि बड़े राष्ट्रीय दल का है जो स्पष्ट बहुमत आ सकता है, और इस तरह से कौन सी पार्टी या कौन सा प्रतिनिधि पहले से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो ये कार्य करेंगे। इस आधार पर मतदाता कई विचार करके फिर मतदान करता है। तो आज हमने पढ़ा चुनावी राजनीति के बारे में, अगले क्लास में इसी चुनावी राजनीति का अध्याय अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।